शिलांग एक हिल स्टेशन है और मेघालय की राजधानी है। शिलांग देश का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां सभी दिशाओं से पहुंचा जा सकता है। शिलांग नाम एक खासिस के कुल देवता युबली शिलांग से लिया गया है। शिलांग समुद्र तल से 1491 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिलांग सिटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह खूबसूरत शहर गुवाहाटी से 103 किलोमीटर की दूरी पर है। कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति के कारण शिलांग को पूरे उत्तर पूर्व के लिए एजुकेशन हब कहा जाता है। शिलांग पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक एजुकेशन हब के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा शिलांग मेघालय के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। शिलांग भारी वर्षा, गुफाओं, ऊंचे ऊंचे झरनों, प्रकृति के सुंदर नजारों और अपने मिलनसार लोगों, उनकी संस्कृति के लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्टेट है। शिलांग के लोग वेस्टर्न कल्चर में ढले हुए हैं। शिलांग म्यूजिक कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में भी काफी फेमस है, क्योंकि इस जगह से कई बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। आज हम यहाँ के प्रमुख आकर्षणों का जिक्र करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर। डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर खासी जाति की संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा केंद्र है। यह म्यूजियम आपको प्राचीन काल में यहाँ रहने वाली जनजातियों के इतिहास और संस्कृति के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। यह म्यूजियम 7 मंजिला है। इसमें कई गैलरीज बनाई गई हैं, जो कि शिलांग शहर के कई चित्र प्रस्तुत करती है, जैसे कि खासी आदिवासियों ने किस प्रकार विकास की यात्रा आरंभ की, उनकी संस्कृति, कला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने जमाने में मछली पकड़ने और शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां यहां से प्राप्त होती हैं। यदि आप एडवेंचरस स्वभाव के हैं, तो आप निश्चित रूप से इस म्यूजियम की ढलान वाली छत से स्काई वॉक का मजा लेना नहीं भूलेंगे। नंबर 2 पर आता है लेडी हेदरी पार्क। लेडी हेदरी पार्क शिलांग में एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह पार्क मेघालय प्रोविंस की फर्स्ट लेडी लेडी हेदरी को समर्पित है। शिलांग के मध्य में स्थित इस विशाल पार्क में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के साथ साथ एक छोटा चिड़ियाघर भी है। इस जू में पक्षियों की 73 प्रजातियां और 100 से भी अधिक रेंगने वाले जीव हैं। बेड ऑफ फ्लावर्स लेडी हेदरी पार्क का मुख्य आकर्षण है। तीसरे नंबर पर शिलांग पीक आती है। शिलांग पीक शिलांग सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 6,449 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शिलांग पीक शिलांग का सबसे ऊंचा स्थान है। शिलांग पीक से पूरे शिलांग सिटी, हिमालय पर्वत, उसके झरनों और इनके साथ साथ बांग्लादेश के प्लेन्स के सुंदर नजारों का मजा लिया जा सकता है। एक दिन बिताने के लिए यह एक खूबसूरत जगह है। चौथे नंबर पर एलिफेंट फॉल्स आता है। एलिफेंट फॉल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे पॉपुलर वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल शिलांग से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण शिलांग के बहुत ही अधिक नजदीक है। दरअसल यहाँ एलिफेंट से मिलती जुलती एक चट्टान है, इसीलिए इस वाटरफॉल को ब्रिटिशर्स ने एलिफेंट फॉल्स का नाम दिया। आज से करीब 125 साल पहले एक अर्थक्वेक में इस एलिफेंट रॉक का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया था। यह एक पर्यटक आकर्षण है। यहाँ कभी कभी बोटिंग फैसिलिटी भी रहती है। एलिफेंट फॉल्स के 3 हिस्से हैं, या यूं कहें कि एलिफेंट फॉल्स 3 हिस्सों में होकर बहता है। इन तीनों हिस्सों को देखने के लिए यहाँ चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी
खूबियाँ भी हैं, किंतु जिनको चलने फिरने में कठिनाई रहती है उन्हें यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इन सीढ़ियों पर खड़े होकर ट्रेडिशनल खासी पोशाक पहनकर आप कैमरे से अपनी फोटो भी ले सकते हैं। रास्ते में यहाँ की लोकल चीजें बेचने वाली बहुत सारी दुकानें भी मिलती हैं। एलिफेंट फॉल्स देखने की 100 रुपये एक व्यक्ति की टिकट लगती है। यहाँ चाय बिस्किट इत्यादि की दुकानें हैं। एलिफेंट फॉल्स पर जगह जगह डस्टबिन भी रखे मिलते हैं और यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ टॉयलेट फैसिलिटी भी है। नंबर 5वें नंबर पर नोकालिकाई फॉल्स आता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। नोकालिकाई फॉल्स भारतीय राज्य मेघालय में चेरापूंजी के पास में स्थित है। चेरापूंजी पृथ्वी पर सबसे अधिक गीले स्थानों में से एक है। नोकालिकाई जलप्रपात में एक छोटे पठार के शिखर पर इकट्ठा हुआ जल वर्षा का जल के कारण दिसंबर से फरवरी तक यह झरना बहता रहता है। इस झरने के नीचे पानी में हरे रंग की एक अनयूजुअल शेड रहती है। इस झरने के साथ एक बड़ी ही दुखद माँ की बेटी की घटना जुड़ी हुई है। इसमें एक छोटी बच्ची को जिसका नाम नो था उसके सौतेले पिता ने हत्या करके मार डाला था। इस दुख को न सह सकने के कारण बच्ची की माँ ने इसी झरने से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस वाटरफॉल में नो नाम उस बच्ची का है और कालिकाई नाम उसी बदकिस्मत माँ का है।